सो मॉस्फेट में कैपेसिटर ऐड करने के बाद हम लोगों का जो सर्किट है एज ए डीमर वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं पुश बटन को स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रख रहा हूँ तो जो लाइट है धीरे 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 स्लो मतलब ब्राइटनेस जो उसका डिक्रीज होते जा रहा है, एंड सेकेंड वाला बटन दबा रहा हूँ तो जो ब्राइटनेस है वह इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा आप, हमारा जो लाइट है वह बंद हो गया। अब मैं सेकेंड वाला बटन दबाऊंगा तो जो लाइट है उसका ब्राइटनेस इंक्रीज होते जा रहा है। कैपेसिटर ऐड करने के बाद हम लोगों का जो ये सर्किट है एज ए डिमर वर्क कर रहा है। मैं फिर से बटन दबाता हूँ और आप देखिए धीरे धीरे जो लाइट है उसका जो ब्राइटनेस है वो कम होते रहेगा। सो ये तो था आउटपुट में हम लोग ने लाइट को कनेक्ट किया था। अब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा इस सर्किट में एंड देखेगा कि कितना डाउन जाता है वोल्टेज। सो यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 7 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है, 8 वोल्ट है, अब 7 वोल्ट। यहाँ पर अब मैंने पुश बटन को प्रेस कर दिया, वोल्टेज डिक्रीज होते जा रहा है। लेट्स सी कितना वोल्टेज डिक्रीज होता है, ये लास्ट वोल्टेज इसका क्या है, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज कितना आता है। मिनिमम आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट 10 तक जा रहा था, 4 वोल्ट तक जा रहा था, बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि ये इंक्रीज़ हो जा रहा था अगर मैं बटन प्रेस नहीं करता। अब यहाँ पर मैंने सेकंड वाला बटन दबा दिया, अब यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के दो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको दिख रहे होंगे, आप उन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते और सर्कल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर वीडियोज़ के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।